हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक नया प्रोडक्ट लेकर के, और इसमें मेरे पास है फेबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर, जिसकी मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, रिव्यू और क्या है इसके फीचर्स बताऊँगा आपको अपनी इसी वीडियो पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस प्रोडक्ट का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। मार्केट से जब भी कभी आप किसी भी तरह का फ्रूट्स या वेजिटेबल लाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल पानी से आप वॉश करते हो। लेकिन क्या वॉश करने के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, कलर, फर्टिलाइजर्स छिपे रहते हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए फेबर यहाँ पर लेकर के आए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर, जहाँ पर आप अपने फलों और सब्जियों को प्योरीफाई कर सकते हैं और उन्हें फ्रेश और क्लीन बना सकते हैं, और लंबे समय तक आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या है ये प्रोडक्ट, किस तरह से करना है यूज़, आइए देखते हैं अपनी इस वीडियो पे। सो स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ फ्रंट लुक ऑफ द बॉक्स, जहाँ पर रिटर्न में आपको मिल जाता है फेबर ब्रांड नेम, ऑक्सीप्योरटिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर। ऑक्सीप्योरटिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लीनर मतलब इसका एक कंटेनर का जो साइज़ मिलता है वो मिल जाता है आपको 10 लीटर में, जहाँ पर आप अपनी फलों और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक साथ प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है इफेक्टिव डिसइंफेक्शन, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल को भी ये पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है अपने आपके फलों और सब्जियों से, और उनको लंबे समय तक आप फ्रेश रख सकते हैं। इसके बाद आता है मीट, फिश, सी फूड को भी ये प्योरीफाई कर सकता है, और उसके सरफेस से बैक्टीरिया, वायरस को भी ये एलिमिनेट कर देता है। टेबल वेयर में कप, प्लेट, स्पून को भी आप इसमें प्योरीफाई कर सकते हैं, क्लीन बना सकते हैं और उनको फिर यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड में हम देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। मॉडल नेम FEP ऑक्सीप्योरटिन, कलर फिनिश ब्राउन कलर, कैपेसिटी जो मिलती है वो आपको मिलती है इसके कंटेनर की 10 लीटर में। प्रोडक्ट का जो वेट मिलता है वो मिलता है 1.45 किलोग्राम का, ग्रॉस वेट मिलता है 2 kg किलोग्राम में, नेट 21, रेटेड पावर कंजप्शन जो है 8 वॉट में है, मतलब ये बेटर क्वालिटी के साथ साथ काफ़ी पावर इफिशियंट प्रोडक्ट है। और इसके साथ काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, लेकिन अगर MRP की बात करें तो MRP आपको मिलती है 5,990 रुपीज़ में, और ये आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाता है अप्रॉक्स 4,000 रुपीज़ के आसपास। बाकी इसमें नीचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, साइड में है सीरियल नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम कर लेते हैं इस बॉक्स को फटाफट अनबॉक्स और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स। इस तरह से कुछ देखने में आपको मिल जाता है। यह है इसका लिड कंटेनर का, यह है कंटेनर जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 10 लीटर में, और यह इस यहाँ पे सेंटर पे प्लेस्ड आपको मिल जाता है ओजोन जनरेटर, जिसकी जो कैपेसिटी है 200 मिलीग्राम पर आर के हिसाब से है। फ्रंट पे अगर देखते हैं तो फ्रंट पे मिल जाता है कंट्रोल पैनल का ऑप्शन, जहाँ पे ये डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, ऑन ऑफ बटन प्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मीट एंड टेबल वेयर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब इसके अलावा भी कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम इसमें प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे मिल्क पैकेट, बच्चों के दूध की बॉटल, दाल चावल, उसको भी हम इसमें प्योरीफाई करके उसमें छिपे हुए बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स को भी हम इसमें अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है। यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें इसका जो पावर प्लग है उसको पावर बोर्ड में लगाना है, जिससे कि डिस्प्ले यहाँ पर ऑन हो जाता है। इसके बाद अगर आप फलों को इसमें प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद उसमें फिर वाटर आपको फिल करना है, लेकिन डालने के से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना भी फल या वेजिटेबल आप इसमें डालते हैं, जो पानी का लेवल रहेगा वो उसके सरफेस लेवल से ऊपर रहेगा, और ड्रेन पाइप, ध्यान रहे कि ड्रेन पाइप जो है इसके हैंगर में फिक्स होना चाहिए। इसके बाद इसका लिड यहाँ पे इस तरह से आपको बंद कर देना है, और यहाँ पर ऑन बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये टाइमर जो है ना ऑन हो जाता है, फिर जो भी आइटम आप इसमें प्योरीफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल आपने डाला हुआ है, इसको ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्रीसेट टाइमर यहाँ पे ये सेट कर लेता है 15 मिनट का, और 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक फलों और सब्जियों को प्योरीफाई करने के बाद यह ऑफ हो जाता है, या बीच में भी आप ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन को दोबारा से प्रेस कर सकते हैं, और फिर से ऑन करने के लिए प्रेस करिए ऑन बटन। इसके बाद उसी टाइमर के हिसाब से बीच से ऑन हो जाता है।
अब दोस्तों प्योरीफाई होने के बाद, फलों और सब्जियों को प्योरीफाई होने के बाद आप इसके लिड को ईज़िली हटा दीजिए। हटाने के बाद जो भी वेस्ट वाटर है आप उसको ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए। निकालने के बाद हैंगर में फिर से फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद फलों और सब्जियों को आप इसमें हटा करके रख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से क्लीन और फ्रेश हो जाती हैं। इसके बाद इसको क्लीन करना भी काफ़ी आसान होता है, काफ़ी ईजिली आप इसको क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल थोड़ा सा पानी लेकर के आप इसको अपने हाथ से ही क्लीन कर सकते हैं और इसके बाद इसके लिड को फिर से बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था मेथड किस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। और अगर हम बात करें तो इसमें नीचे का जो सरफेस है वो काफ़ी आपको कम स्पेस लेता है, मतलब ये टेबल में या किचन में कहीं भी पर भी आप इसको आसानी से प्लेस्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेथड इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो कि मैंने अभी आपको बताया। और वीडियो ये आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।